चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। ये खुले हुए नाले, हटे हुए ढक्कन बन सकते हैं दुर्घटना का बड़ा कारण। प्रशासन है खामोश, नहीं हो रही है कार्रवाई। कई बार लेटर देने के बाद भी मनपा ने इसे अनदेखा किया है। जहां एक तरफ ये ढक्कन खुले हैं, वहीं दूसरी ओर पूरी रोड जर्जर हो चुकी है। आवागमन में परेशानियां होती हैं, आए दिन लोग रोज इसमें गिरते हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जहां एक तरफ खुले ढक्कन, वहीं कचरे का अंबार भी है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कचरा रोड पर पड़ा हुआ है और बीच बीच में ये ढक्कन खुले हैं। ये मंजर कहीं और का नहीं, सुमैया साइजिंग से कासिमपुरा कब्रिस्तान जाने वाले मार्ग का है, जहां पर रास्ते में ये खुले हुए ढक्कन मौत को दावत दे रहे हैं और रहगीर परेशान है। इस समस्या को लेकर छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शाजू सिद्दीकी जी ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है शाजू समीर सिद्दीकी, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं महानगर पालिका को एक लेटर दिया है, ये कासिमपुरा कब्रस्तान से लेके और ये सुमैया साइजिंग तक, फातिमा नगर 60 फीट रोड तक, कि ये चेम्बरे खुले हैं, इस पर बहुत से हादसे हो गए हैं, बाइक वाले गिर जा रहे हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं, आने जाने वाले साइकिल किसी की गिर जा रही, किसी का दांत टूट जा रहा है, किसी का मुंह फूट जा रहा है। अभी अच्छा 3-4 दिन पहले एक आदमी बहुत सीरियस हो गया, उसी पर गिर गया, उसके सर पे मार लग गई। तो मैं महानगर पालिका जो सो रही है गहरी नींद में, मतलब ये उठने को तैयार नहीं है। आज ये 10-15 दिन 20 दिन से ये मामला चालू हुआ कि चलो कोविड का मामला, इसका मामला, उसका मामला, उसके पहले सो रही है क्या? मैं 6/1 को मैं लेटर दिया हूँ, 6/1/2020 में डाला है, आयुक्त के नाम पे डाला है। लेटर देने के बाद ये सो रहे हैं और मैं वार्निंग देना चाहता हूँ महानगर पालिका को, आयुक्त साहब भी सुन ले, पंकज आसिया साहब, कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई और इस पे दुरुस्ती का काम नहीं हुआ, उस पे सलिया भी सब दिखने लगी है नाले में, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती है उसी पे, हमारे गायत्री नगर, फातिमा नगर, हर जगह की पब्लिक आना जाना है, मेन रास्ता है वो, अगर उस पे कार्रवाई नहीं हुई तो धरना आंदोलन ये कोविड के टाइम पे हम करेंगे। छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की तरफ से सारे पदाधिकारी, जितने भी लोग हैं, सब मिल के हमारे सहयोगी, जो हमारे सहयोगी सपोर्टर रहेंगे, जो ये हमारे पब एरिया के लोग रहेंगे, सब मिल के हम धरना आंदोलन करेंगे पूरे एरिया वाले। सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं? सरकार से हमारी ये विनंती है कि इस पे जल्दी से जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इस पे चेंबर लगे और जो भी उसका मतलब रिपेयरिंग काम है वो रिपेयरिंग काम हो के हमको चाहिए और हमको कोई तकलीफ नहीं है।